पहले हम लोगों ने हिमालय नदी तंत्र को पढ़ लिया था, जिसमें गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिया। अब जो हम लोग की बारी है पढ़ने की, वो है प्रायद्वीपी भारत का स्वातंत्र। तो प्रायद्वीपी स्वतंत्र के बारे में छोटी सी बातें जान लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। और प्रयास करेंगे आज प्रायद्वीपी भारत का जो स्वातंत्र है उसमें सभी नदियाँ जितनी आती हैं सभी को क्लियर कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। वैसे वीडियो लंबा होगा लेकिन आज कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं अभी हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो चलिए नोट्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा। जो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपी नदी तंत्र है ये अधिक प्राचीन है। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपी नदी तंत्र है ये अत्यधिक प्राचीन है। अगर पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपी भारत में मुख्य जल विभाजक है, जो पश्चिमी घाट है एक तरह से प्रमुख रूप से मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपी पठार का सामान्य ढाल पूर्व से किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर। पूर्व से ये पूर्व है, पूर्व से किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है। मतलब इसका ढाल इस तरह से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है। और ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट। तो ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर ज़्यादातर क्या, लगभग एक दो नदी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट की तरफ से बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। जैसे अगर देखा जाए महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, देख रहे हैं, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्म, ये सारी नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट से तो निकलती है, कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा या ताप्ती या ताप्ती दोनों को प्रायद्वीप भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो अवसाद स्वरूप अपवाद है, कहाँ, जो पश्चिम की ओर जाती हैं, कच्छ किरण में, अरब सागर में गिर जाती हैं, सॉरी खंभाती खाड़ी या अरब सागर में जाके गिर, एक तरह से अपवाद कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप ये दोनों नदियाँ हैं जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी भी नदियाँ लगभग आप देखेंगे सभी नदियाँ कहाँ से, पश्चिम से पूर्व तरफ बहते हुए आके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। फिर हम देखते हैं ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जिनका मुख्य कारण इस नदियों का भ्रंश घाटी से होकर बहना। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, भ्रंश घाटी में, जैसे यहाँ से हमने देखा ना, यहाँ से निकलती हैं तो भ्रंश घाटी से बहती हैं। अगर भ्रंश घाटी देखा जाए भारत की तीन नदियाँ, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। लेकिन हम जो पश्चिमी घाट की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो पश्चिमी घाट की जो प्रमुख नदी है नर्मदा एवं तापी या ताप्ती नदी, ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं। भ्रंश घाटी के बारे में एक बार जान लीजिएगा। फिर हमने ये देखा कि ये नदियाँ कहाँ हैं, यहाँ ये खंभाती खाड़ी जानते हैं ना, ये खंभाती खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो ये खंभाती खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिरती है नर्मदा ताप्ती, दो अपवाद स्वरूप या अपवाद नदियाँ हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर प्रायद्वीपी भारत की जो अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं प्राय ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती, क्या करती हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपकी ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती। जबकि जो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, जो यहाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर प्रायद्वीपी नदियों की बात करें जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ हैं। अगर नदियों को क्रम से देखा जाए, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हुगली गंगा की टूटती हुई एक शाखा है, देख रहे हैं हम हुगली दामोदर के साथ मिलकर, फिर ये स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपड़ी, ये सारी ऐसी नदियाँ दक्षिण भारत की। फिर नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, वो सब तो ऊपर की नदियाँ, उससे कोई मतलब, बाकी ये नदियाँ, इन सभी नदियों को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इधर साबरमती है, माही है, ठीक, फिर नर्मदा, ताप्ती, ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, खंभाती खाड़ी में गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं सभी देखें कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में धरा के गिर रही हैं, सॉरी बंगाली खाड़ी में आके गिर रही हैं। केवल इन चार नदियों को छोड़ दिया जाए, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सभी नदियाँ अरब सागर में, बाकी जितनी भी नदियाँ सब बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही हैं, ठीक। अब अगर प्रायद्वीपी नदियों की प्रवाह दिशा देखा जाए, प्रायद्वीपी नदियों की प्रवाह दिशा देखा जाए तो हमें दो तरह के प्रवाह दिशा देखने को मिलते हैं, दो तरह के प्रवाह दिशा देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए पहला, तो प्रवाह दिशा को हम इसको डायग्राम से अगर बनाना चाहें दो तरह से बना सकते हैं। देखिए पहला है पूर्ववाहिनी नदियाँ, दूसरी है पश्चिम वाहिनी नदियाँ।
पूर्व वाली नदियां देखिए, हम तो मैप में अगर आप जानते होंगे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व वाली नदी माने जो पूर्व तरफ बहती हैं और एक पश्चिम वाली नदियां। अगर पूर्व वाली नदियों की बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, अगर हम लिखेंगे पूर्व वाहिनी नदियां तो देखते हैं हम यहाँ पे महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी क्या है, ये पूर्व वाहिनी नदियां माने पूर्व तरफ बहती हैं। अगर पश्चिम वाहिनी नदियां पूछ लिया जाए तब साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सब पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। ठीक, पेरियार नदी भी अभी आगे हम लोग देखेंगे पश्चिम वाली नदियों में से गिनती जाती है। अब इन सभी नदियों के बारे में एक एक पॉइंट उठा के हम लोग थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ेंगे, फिर लास्ट में रिवीजन क्विक रिवीजन को भी एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें, अगर सबसे पहले हम लोग पढ़ें तो जो सबसे प्रमुख नदी है अगर देखा जाए, पहले प्रमुख नदियों को पढ़ लेते हैं फिर जब क्विक रिवीजन करेंगे तो एक बार और पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग महानदी को देखते हैं, बहुत क्विक शॉर्ट में पढ़ेंगे महानदी। देख रहे हैं महानदी कहाँ पे है, ये देखिए ये महानदी है। ठीक, महानदी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो यह नदी अमरकंटक की, यह नदी कहाँ से, अमरकंटक के दक्षिण में सिंघाना, यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंघाना जो छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। एक पॉइंट यहाँ से लिखने योग्य है कि हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस पर बना है, महानदी पर बनने वाला बांध है। ठीक है, अब पढ़ेंगे गोदावरी नदी, अगली लीजिएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी और विशेष चर्चा एक बार और करेंगे। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, 1460 किलोमीटर लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे दक्षिण की गंगा लिख लीजिएगा, दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा, क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, या बृहद गंगा, इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक के जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक चोटी से या पठार से निकलती है। इंद्रावती, देख रहे हैं इंद्रावती, इंद्रावती प्राणहिता, पूर्णा, दुधना आदि गोदावरी की सहायक नदी, देख रहे हैं मंजिरा, मंजिरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधवा, ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ, किसकी सहायक नदियाँ, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी भी देखने योग्य है, लिखने योग्य है, पढ़ने योग्य भी है। तो कृष्णा नदी अगर हम लोग पढ़ें तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यह प्रायद्वीप की भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। प्रायद्वीपी भारत की बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वरम के निकट, देखें यहाँ पे है महाबलेश्वरम चोटी, देख रहे हैं महाबलेश्वरम चोटी, महाबलेश्वरम चोटी, महाबलेश्वरम चोटी से निकलकर, महाबलेश्वरम चोटी पश्चिमी घाट में से निकलकर, कहाँ से, महाबलेश्वरम चोटी जो पश्चिमी घाट है वहां से निकलती है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, तुंगभद्रा और भीमा इस नदी की, इस नदी माने कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन, भीमा और तुंगभद्रा, दोनों से क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, गाल प्रभा, दूध गंगा, मूंसी, इसकी अन्य सहायक भी नदियां हैं, किसकी, कृष्णा की। यह चापाकार डेल्टा बनाते हुए, कैसा, चापाकार डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध और कर्नाटक में अलमारी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ही बना है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अलमारी,
यह अलमाटी बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ एक बांध है, ठीक है। फिर पेन्नार नदी, ये कर्नाटक के उत्तर क्षेत्र में, देख रहे हैं उत्तरी क्षेत्र से ये पेन्नार नदी नंदी दुर्गा पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के नंदी दुर्गा, लिख लीजिएगा पेन्नार नदी नंदी दुर्गा पहाड़ी से, कर्नाटक के नंदी दुर्गा पहाड़ी से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहते हुए, ये आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में निकल गिर जाती है, तथा उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहते हुए बंगाली खाड़ी, देखिए उत्तरी पेन्नार के बहते हुए दक्षिण, मतलब यहाँ सीधी सी बात है, एक लाइन उसको लिख लीजिएगा, यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, बस बात खत्म, इसे ज्यादा यहाँ पढ़ना मुश्किल है। अब जो नदी पढ़ने जा रही, सबसे प्रमुख नदी है कावेरी नदी, क्या है कावेरी नदी, यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले, यह कौन कावेरी नदी, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले, कावेरी नदी हैंडल है कावेरी नदी, यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्राह्मणी या ब्रह्मगिरी, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चोटी देख रहे हैं ना, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की चोटी मैंने ब्रह्मगिरी पहाड़ी की जो चोटी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में, इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में कर्नाटका, कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्नाटका में दक्षिण पश्चिम मानसून, समझ रहे हैं ना, जो कर्नाटक क्षेत्र है आपके, जो दक्षिण पश्चिम माने अरब सागर से उठने वाला मानसून, तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र, निचले तमिलनाडु जो क्षेत्र है यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, इसे अब लौटता मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से होने कारण यह नदी वर्ष भर भरी रहती है, कौन सी नदी कावेरी नदी, वर्ष भर भरी रहती है, कावेरी नदी को वर्ष परंतु भरे रहने के नाते इसे भी सदा नीरा कहते हैं, एक तो गंगा है इसको भी सदा नीरा कहते हैं क्योंकि वर्ष भर इसमें जल भरे रहते हैं, ठीक है, और पूरे साल ये जल लेकर चलती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं दक्षिण भारत, देखिए ये दक्षिण की गंगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ दिया जाए, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कौन सी नदी है, वो आपकी कावेरी, और दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी है, ये दक्षिण भारत का लगा दिया तो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी कावेरी नदी। अब कावेरी नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है उसका 56% हिस्सा तमिलनाडु, और उसका देखा जाए तो 56% हिस्सा तमिलनाडु, 56% तमिलनाडु, कितना 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, फिर 31, फिर इसके बाद क्या हुआ आपका 56 और 41, हाँ फिर बचा आपका 3% केरला, 3% केरल, क्या करता है 3% केरल, 56% तमिलनाडु, 41% कर्नाटका, 3% केरल में है इसका जो द्रोणी है, ये तीन राज्यों में फैला है। कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, कैसा चतुर्भुजाकार, मतलब चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती, कौन कावेरी नदी, जिसमें सुसमुद्र, अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात है, इस नदी कावेरी नदी के जलमार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात है, जिसमें सुसमुद्रम, लिखिएगा सुसमुद्रम कहाँ पे है कर्नाटक में, सुसमुद्रम कर्नाटक, तथा होगने होगेन होगेनेकल तमिलनाडु, होगेनेकल 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 होगेनेकल, ये जलप्रपात कहाँ है तमिलनाडु, होगेनेकल जलप्रपात कहाँ है तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। जो कावेरी जब कर्नाटक के कोंडांगू के पहाड़ी से आगे बढ़ती है, जब ये कर्नाटक के कोंडांगू के पहाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उच्चावच में अंतर कारण यहाँ पे जुड़वा जलप्रपात, गगन चुक्की
जुड़वा जलप्रपात थोड़ा सा नीचे आती है, उच्चावा ज्यादा हो जाता है, इसलिए जुड़वा जलप्रपात गगन चुक्की पश्चिमी तथा भारा चुक्की पूर्वी के निर्माण करती है। गगन चुक्की और भारा चुक्की लिख लीजिएगा, गगन चुक्की और भारा चुक्की, गगन चुक्की और भारा चुक्की, ठीक। इसमें एक बात याद करनी होगी है कि गगन चुक्की और भारा चुक्की में एक छोटा सा है कि ये है आपका वेस्ट में, ये है आपका ईस्ट में, ठीक। गगन चुक्की पश्चिम में, भारा चुक्की पूर्व में, जो सम्मिलित रूप से शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो सम्मिलित रूप से शिव समुद्रम जलप्रपात के रूप में या नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने साथ में पढ़ लिया। अब प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पश्चिम वाली नदियों को पढ़ ले। ये ऐसी नदियां पढ़ा जो पूर्व, जिनका जल पूर्व में आके गिरते हैं अर्थात अरब बंगाल खाड़ी में गिरते हैं। अब कुछ नदियों को, जो ऐसी नदियां जो पश्चिम में जाकर अर्थात अरब सागर में जाकर जल गिराती हैं, उसमें पहले डे लेगा साबरमती, यहाँ से आएगी आपकी साबरमती, फिर यहाँ से माही आती है, ठीक है। साबरमती डे लेगा साबरमती, साबरमती नदी है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की, यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी से निकलती है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है, यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके तट पर बसे हुए प्रमुख नगर हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद इसके तट पर बसे प्रमुख नगर हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब साबरमती के बाद माही नदी, यह विंध्याचल पर्वत की पश्चिमी भाग में, यह विंध्याचल के पश्चिमी भाग में मेहद झील से निकलती, किससे? मेहद झील, इस झील से, मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साथ ही साथ माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एक प्रमुख नदी है। क्या करती है? दो बार काटने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। अगली नदी लेगा नर्मदा, ये नर्मदा, नर्मदा नदी देख रहे, ये नर्मदा नदी हेडी बनेगा नर्मदा नदी, देखिए पश्चिम में जल गिराती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, देख रहे हैं ना, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। यह गुजरात में अरुण के निकट खंभाती खाड़ी में गिरती है, खंभाती खाड़ी में गुजरात के निकट गिर जाती है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक हो गया, कोई समस्या नहीं है ना? दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब देंगे। लेकिन पढ़ाते समय थोड़ा सा क्या है, हमारा काम है कि पढ़ाते रहना ताकि आपका ध्यान उधर ना जाने पाए। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए इलानी भी दुर्गेश सर जुड़िए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोज नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिल पाती तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को जुड़िएगा। फिर हमने लिखा कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है और यह जाके खंभाती खाड़ी में गिर जाती है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक फ्रंस घाटी से होकर बहती है, ठीक है। देख रहे हैं, ये फ्रंस घाटी के बीच से होकर बहती है, कहाँ से? एक फ्रंस घाटी से होकर बहती है। किन किन फ्रंस घाटी से? ध्यान देखिएगा, विंध्यन पर्वत, ऊपर विंध्यन पर्वत और जो नीचे आ रहा है, देखिए ऊपर है विंध्यन पर्वत और जो नीचे अभी क्या है पठार में, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ऊपर क्या है विंध्यन पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक फ्रंस से होकर बहती है। जब ये जबलपुर में भेड़ाघाट में, ये भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है।
भेड़ाघाट संगमरमर शैलों को काटती है। भेड़ाघाट में क्या करती है? संगमरमर के चट्टानों को काटती है। कौन? नर्मदा नदी। काट कर वहाँ क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से बहती हुई जाती है। सरदार सरोवर महेश्वर नर्मदा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी इसी नदी पर स्थित है। क्या करते हैं? इन सभी के साथ नर्मदा घाटी इसी नदी पर स्थित है। अब छोटी अगली नदी आती है इसके जस्ट नीचे, तापी या ताप्ती नदी। तो इसके बारे में देखिए, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। कहाँ से? यह जो है आपकी तापी नदी से, को ताप्ती नदी भी कहते हैं। तापी या ताप्ती नदी यह कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुलताई से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ठीक है, मैंने पूर्णा को गोदावरी में भी पढ़ा था। पूर्णा है, यह नदी धंस घाटी में बहती है और सूरत के आगे खंभाती घाटी में गिर जाती है। ठीक है, और ये भी एक चिरू डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, पेरियार नदी की बात करेगा ना, तो जो पेरियार नदी देख रहे हैं आप, एक पेन्नार है और एक पेरियार है। पेन्नार और पेरियार दो है। जो पेरियार नदी है यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह अल्लामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? यह अल्लामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा बेम्बनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। जो ये पेरियार नदी है आपकी, यहाँ पे पेरियार दिख रहा है कि नहीं आपको? पेरियार नदी यहीं पर लिख दे रहे हैं, पेरियार। हमने क्या देखा? पेरियार, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम में गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है जो अल्लामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा बेम्बनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका, ये पश्चिम मतलब अरब सागर की नदियाँ। अभी अन्य देखिए, प्रादीपी नदियों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रादीपी भारत की अन्य नदियाँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, आपने देखा होगा, एक एक क्रम से ऊपर से हम पढ़ते हुए आते हैं। एक हमने लूनी नदी थी, इसका जिक्र भी हमने नहीं किया। लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। यह नदी यहाँ पे, यह नदी कहाँ है? अजमेर, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ियाँ मतलब अरौली शरीर से निकलती है तथा कच्छ के रण में, देख रहे हैं, ये कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। अब पढ़ते हैं स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के यहाँ पे है, ये दामोदर के बाद स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे। स्वर्णरेखा नदी यह नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से होती है। इस नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? रांची की पठार से होती है। यह नदी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के बीच एक सीमा रेखा बनाती जाती है और जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। बस इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं ब्राह्मणी नदी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी नदी यहाँ पे है, ये ब्राह्मणी नदी आप देख रहे हैं। यह राउरकेला ओडिशा के नजदीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने के अस्तित्व में आई है। कोयल एवं शंख नदियों के जो मुहाना है वहां से अस्तित्व में आती है ब्राह्मणी नदी। यह व्हीलर द्वीप जो ओडिशा तट के पास बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। व्हीलर द्वीप के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ से सभी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जितने भी मिसाइल होते हैं भारत के उन सभी का जो लॉन्च जहाँ पे होता है वो कहाँ है? व्हीलर द्वीप में। तो उसका भी नाम भी प्रतीत कर दिया गया है। अब आते हैं पंबा नदी, यहाँ पे सर्वस्व में नहीं है। फिर सरावती नदी है, ब्राह्मणी नदी है, इंद्रावती नदी है। अच्छा, सरावती नदी लिख लीजिएगा, ये आप काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है सरावती नदी यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। प्रसिद्ध जोग गड़सोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर बना है। अच्छा, भारत पूजा देखा जाए तो यह केरल की सबसे बड़ी नदी, इसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्लामलाई की पहाड़ियों से निकलती है ताकि पुन्ना नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। ठीक है, भारत पूजा यह भी केरल की सबसे बड़ी नदी तंत्र में से एक आती है। तो इस प्रकार हमने सभी घाटियों को पढ़ लिया। अब हम एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर नदियों की बात करें, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है देश की, इसका उद्गम स्थल भारत में हुआ है। नव भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा है,
2525 किलोमीटर, फिर गोदावरी है 1465 किलोमीटर, सतलज है 1500 किलोमीटर, कहीं 1440 मिल जाता है, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1279 किलोमीटर। तो ये अलग अलग किताब में इसके अलग अलग आंकड़े मिलते रहते हैं, नहीं जरूरी नहीं कि जो हम आपको आंकड़े बताएं वही आंकड़े मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा अगर जल क्षेत्र देखा जाए तो गंगा नदी का सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र है, फिर सिंधु नदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, इसी प्रकार सभी नदियाँ हैं। और एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, पूरा शुरू से मतलब दक्षिण प्रादेशिक भारत की नदियों का एक बार इसे पूरे टॉपिक हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा नए मैटर के साथ, तो आप लोग भी तत्पर तैयार हो जाइएगा। हम लोग ने देखा कि जो प्रायद्वीपी अफ्वातंत्र जो नदियाँ थी दो वर्गों में बांटा जाता है, एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। अगर हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखा जाए, सबसे पहले हमने देखा था स्वर्णरेखा, देखा नहीं है स्वर्णरेखा नदी, कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी, सबसे पहले कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी। इस नदी का जो उद्गम था यह कहाँ था, झारखंड के रांची के पठार से हुआ था। यह नदी नदमुख या नदमुख का निर्माण कर देती है, उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, ठीक। इस नदी की बेसिन में सोने की प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, और सोन नदी और स्वर्णरेखा नदी इन दोनों का जो निक्षेप होता है वहां पे प्लेसर प्लेसर के निक्षेप मतलब सोने के प्लेसर के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। अगली हम लोगों ने पढ़ा महानदी, देखिए प्रमुख नदी है महानदी। इस नदी का उद्गम जो है डनकरण के पठार से होता था। यह नदी छत्तीसगढ़ के ओडिशा से बहते हुए डेल्टा बनाने के पश्चात कहाँ गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक। यह नदी कटोरे के, ध्यान दीजिएगा जो महानदी है यह कटोरे के आकार से बहते हुए, कटोरे के आकार से बहते हुए कहाँ जाके गिरती है, कटोरे का आकार का बेसिन बनाती है, इसी तरह से यहाँ से आती है महानदी और कटोरे के आकार का बेसिन बनाते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब चीन के हुआंग नदी, चीन का हुआंग जो नदी है वो क्या करती है, वो भी कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है, ठीक। इस नदी में जो इस नदी का बेसिन है, जो कटोरे आकार का बेसिन है, यहाँ पे चावल की खेती के लिए विख्यात है, यहाँ पे चावल धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या भारत के चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसलिए महानदी की जो महानदी की कटोरा वाले बेसिन है, यहाँ पे बेसिन में चावल के उत्पादन अधिक होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में भारत का कटोरा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में, इसी नदी पर, किस पे, महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध स्थित है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इस नदी के डेल्टा में कटक पुरी और भुवनेश्वर शहर है, इस नदी के डेल्टा में कटक पुरी और भुवनेश्वर शहर स्थित है, ठीक है। भुवनेश्वर क्या है, राजधानी, आपको पता भी होगा। अच्छा, इस नदी का जो डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का निर्माण किया गया है, इसके जो नदी डेल्टा है, महानदी का जो डेल्टा है, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का भी निर्माण किया गया है, ठीक। अब आते हैं गोदावरी के बारे में, पढ़ लेते हैं गोदावरी के बारे में, काफी महत्वपूर्ण है ये, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत में दूसरे सबसे बड़े अपवातंत्र का निर्माण करने वाली नदी है। इस नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट देख रहे हैं ना, पश्चिमी घाट में ये स्थित कलसुवाई चोटी से होता है, त्रिंबक के पठार में स्थित है, कलसुवाई की चोटी वहां से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, पहले आंध्र प्रदेश एक ही में था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों से बहते हुए कहाँ गिरते हैं, डेल्टा बनाने पश्चात बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इस नदी पर पोल्लावरम, आंध्र प्रदेश में इस नदी पर पोल्लावरम परियोजना का विकास किया गया, पोल्लावरम परियोजना का विकास किया गया है। पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, इरावती, सिलोरी, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। सिलोरी नदी पर उड़ीसा में बाली मेला बांध बना हुआ है, बाली मेला बांध बना हुआ है, ठीक, बस ये। और इसे दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, आपकी गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अब जो पढ़ेंगे कृष्णा नदी, एक बार पढ़ लेते हैं। इस नदी का भी उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी में, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी से हुआ है, कहाँ से, महाबलेश्वरम चोटी से होता है या हुआ है, ठीक। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों से बहते हुए डेल्टा बनाती है, कहाँ पे,
यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। अगर तुंगभद्रा देखा जाए तो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध कर्नाटक आंध्र प्रदेश से लाभ मिलता है। कोयना ये महाराष्ट्र में है, शिवानी सागर बांध बना है, कोयना में शिवानी सागर बांध बना है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है ये। कृष्णा नदी पर प्रसिद्ध बांध नागार्जुन बांध है जो वर्तमान तेलंगाना में है। ठीक, अब आते हैं कावेरी नदी की बात करते हैं, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं। कावेरी इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहती है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर क्या बना है, कृष्ण सागर बांध। कौन सा? कृष्ण राज सागर बांध स्थित है। जबकि तमिलनाडु में मेट्टूर बांध स्थित है। सुसमुद्र जलप्रपात, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुसमुद्र जलप्रपात स्थित है, जहाँ पे गगन चुक्की भारा चुक्की दोनों पर मिलते हैं, उसे हम सुसमुद्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अचानक उच्चावच बढ़ जाने की वजह से धाराएं दो भागों में टूट जाती हैं, जिसे सुसमुद्रम जलप्रपात कहते हैं। इस नदी में विख्यात श्रीरंगम नदी द्वीप स्थित है। हेमावती, अरवती, भवानी, लक्ष्मी तीर्थ इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी का भी डेल्टा चावल के लिए काफ़ी विख्यात है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों वर्षा प्राप्त करती है, इसलिए इसे सदा नीरा कहते हैं, वर्ष भर भरी रहती है। ठीक, फिर एक वेगई नदी आती है, देख रहे हैं ना यहाँ पे है वेगई नदी। यह मदुरई शहर वेगई नदी किनारे बसा है। मदुरई शहर जो है आपका, मदुरई शहर ये वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अब पश्चिम की बैनल नदी अगर एक बार देख लिया जाए तो लूरी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वतों से होता है, फिर ये जाके कचकरण में खत्म हो जाती है। कौन? लूनी नदी। ठीक, राजस्थान के मरुस्थली भाग से सबसे प्रमुख नदी है कौन सी? लूनी। अपने उद्गम से लेकर बाड़मेर और बालतेरा नामक स्थान पर इस नदी का जल मीठा भी है, आगे फिर खारा हो जाता है। सुकाई, सुकड़ी, जोजरी, जवाई, बांडी इसकी प्रमुख सहायक नदी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। साबरमती देखते हैं, देखिए साबरमती नदी है। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है, यह नदी फिर जाके खंभाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यह कर्क रेखा को दो बार माही काटती है ना, ये इससे कोई मतलब साबरमती हो गई। अब आते हैं माही नदी, यह कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। माही नदी क्या है? कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, और इस नदी का राजस्थान गुजरात में बहते हुए खंभाती खाड़ी में जाके गिरती है और कर्क रेखा दो बार काटती है। गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती नदी किनारे बसे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। बस और कुछ नहीं है। विश्वत रेखा दो बार काटने वाली नदी जानते हैं आप कौन है? कांगो है, अफ्रीका की है। मकर रेखा दो बार काटने वाली लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका की है। अब नर्मदा नदी देख लेते हैं, ये ऊपर से नर्मदा नदी आती है, इसके बारे में हमने बताया था। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। यह नदी खंभाती खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदमुख का निर्माण करती है, एक्चुअली डेल्टा बनाती है। और यह विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहते हुए निकल जाती है। फिर जबलपुर में, आप एमपी कभी गए हैं, जबलपुर में संगमरमर के पठारों को, पर्वतों को काट कर पठारों को धुआंधार जलप्रपात बनाती है, इसे कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे संगमरमर का जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना स्थित है। कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना स्थित है। किस पे? इसी पे, नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर परियोजना स्थित है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं विशेष, और अब कहें तो फिर और कुछ पढ़ लिया जाए। ओंकारेश्वर, महेश्वरम मध्य प्रदेश में स्थित नदी पर कुछ अन्य भी परियोजनाएं हैं। इंदिरा सागर जलाशय सबसे बड़ा मानवनिर्मित झील भी है। इंदिरा सागर परियोजना इसी नदी पर है, किस पे? नर्मदा नदी पर है। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील इंदिरा सागर जलाशय, वो भी नर्मदा नदी पर ही है, इंदिरा सागर परियोजना के पास स्थित है। गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। नर्मदा नदी जो है, इस पे गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना या बांध स्थित है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक, बकवीन, तवा, छोटा तवा, कुंडी, नर्मदा की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, ये आपको नहीं पढ़नी है। गुजरात का प्रमुख शहर भरूच
नर्मदा नदी किनारे स्थित है। तापी नदी देखा जाती है अभी एमपी के, ताप्ती नदी जो है ये भी, ताप्ती नदी कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल के पठार से निकलती है, फिर बाद में खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये भी नदमुख का निर्माण करती है। सतपुड़ा, ये सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच से बहती हुई ब्रंज घाटी से बहती हुई जाती है। इस नदी पर गुजरात में उकाई तथा काकरपारा परियोजना स्थित है। उकाई और काकरपारा किस पर, ताप्ती, तापी या ताप्ती नदी पर उकाई तथा काकरपारा परियोजना स्थित है। सूरत सर इसी नदी किनारे बसा है। सरावती नदी देखिए यहाँ पे है, नहीं बने हमने, सरावती नदी कर्नाटक पर है जहाँ पे जोग जलप्रपात स्थित है। पेरियार यहाँ पे स्थित है, देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया था पेरियार, यह पश्चिमी घाट से होता है अरब सागर में जाकर गिरती है। केरल की सबसे प्रमुख नदी है तथा इसमें केरल की जीवन रेखा, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं, किसे, पेरियार नदी को। इस नदी पर केरल में इडुक्की परियोजना है, केरल में इडुक्की परियोजना इसी नदी पर जीवन रेखा जो है पेरियार नदी पर। फिर कुछ नदियाँ ऐसी जो छोड़ गई थी, जैसे घग्गर नदी थी, इस नदी का जो उद्गम हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में शिमला के कालका पहाड़ से होता है तथा यह नदी हरियाणा व राजस्थान से बहते हुए जिले में अनुपगढ़ नामक स्थान में समाप्त हो जाती है। भारत में सबसे बड़े अंतस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाली नदी है घग्गर नदी। अच्छा, वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक बहती है। इस नदी में बेसन की खेती चावल के लिए भी किया जाता है। बस ये तो नदी तंत्र था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर भी यदि कोई समस्या आपको रहती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और एक प्रश्न हम आपसे पूछना भी चाह रहे हैं, हम सोचते हैं उसका जवाब भी आप जरूर देंगे। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, आप हमें इस कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप अभी टेलीग्राम से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश बिना स्पेस दिए और जुड़िएगा इलर्निंग दुर्गेश के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहतर लगेंगे, थोड़ा सा स्पीड अगर ज़्यादा लगेगी तो स्पीड कम कर लीजिएगा, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेगा। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, खासकर ये वीडियो भी। इसीलिए हम आपसे बार बार ये कहेंगे कि आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, नोट्स बनाएंगे आपको उसका लाभ मिलेगा। और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के लिए दुर्गेश सर सर्च करके इलेनिंग दुर्गेश के साथ फेसबुक पेज इलेनिंग दुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम इलेनिंग दुर्गेश के साथ हमारे साथ आप जोड़ सकते हैं। आज हमने नदी तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं नदी में इससे बाहर से आपके प्रश्न नहीं आएंगे, फिर भी इससे बाहर से प्रश्न रहते हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे से सारे प्रश्नों को आपके परीक्षा में आ जाएं, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लंबी नहीं रहेगी तो फिर पढ़ेंगे कैसे, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए आप सभी लोग अपना बेहतर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं की परीक्षा के लिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करिएगा, बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को बताइएगा। इलानी में दुर्गेश के लिए जय हिंद जय भारत।